वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, उमा हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। आज आपके लिए प्रेगनेंसी का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक लेके आई हूँ मैं कि फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। फॉलिक एसिड खाना सच में कंपलसरी है या नहीं? अगर खाना कंपलसरी है तो कब से स्टार्ट करना है, कितने डोजेज में उसका स्टार्ट करना है, और फॉलिक एसिड अगर आपने नहीं खाया तो आपके बच्चे को और आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये हम लोग आज ये वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि फॉलिक एसिड जो है, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी का सुपर ड्रग बोलते हैं। सुपर ड्रग यानी वो बहुत ही मस्ट विटामिन है प्रेगनेंसी में, जो कि बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसको ठीक से बनने के लिए फॉलिक एसिड अपने बॉडी में चाहिए। बेसिक 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड आपके बॉडी में चाहिए जब भी आप प्रेगनेंसी अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी फॉलिक एसिड क्या है? फॉलिक एसिड जो है ये विटामिन बी का एक नेचुरल डेरिवेटिव है, जो कि वाटर सोल्युबल विटामिन है। फोलेट जो बोलते हैं हम लोग, जो नेचुरल डेरिवेटिव है, जो हरी पत्ती सब्जी में अपने को मिलता है। अभी फॉलिक एसिड जो है उसका ह्यूमन मेड डेरिवेटिव है, जो मेडिसिन के फॉर्मेट में अपने को मिलता है। तो ये फॉलिक एसिड किस चीज के लिए जरूरी रहता है? अपने आरबीसी डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के सेल्स डेवलपमेंट के लिए, आरएनए डीएनए डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा मस्ट विटामिन है। अभी फॉलिक एसिड कब से स्टार्ट करना है? आइडियली फॉलिक एसिड आपको जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वहां से 3 महीना पहले स्टार्ट करना है आइडियली, लेकिन कम से कम 1 महीना पहले तो आपने फॉलिक एसिड खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब बोलते हैं हम लोग, जिससे बच्चे का ब्रेन और पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनता है, तो वो न्यूरल ट्यूब फर्टिलाइजेशन होने के बाद विद इन 28 डेज बन जाती है, मतलब 28 दिन में ही वो न्यूरल ट्यूब बन जाती है। तो वो 28 दिन में आपके बॉडी में 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी फॉलिक एसिड के डोजेस कैसे रहेंगे? अभी रिकमेंडेड डोजेस जो है फॉलिक एसिड के 400 माइक्रोग्राम पर डे है बिफोर प्रेगनेंसी। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना स्टार्ट कर रहे हैं तो तभी आपको 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 600 माइक्रोग्राम पर डे रिकमेंडेड डोज है। और अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज है या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, मतलब पहले बच्चे में आपके ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में बच्चे की कुछ प्रॉब्लम होता हो या उसकी वजह से आपको एबॉर्शन करना पड़ा, या आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी है जिसमें 2 या 3 बच्चे हैं उसमें फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उस केसेस में आपको 1000 से 4000 माइक्रोग्राम पर डे भी डोज रिकमेंड करा जाता है। अभी मार्केट में जो फॉलिक एसिड की टैबलेट अवेलेबल है उसमें ऑलरेडी 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड रहता है, देन दैट इज अ 5000 माइक्रोग्राम, तो बहुत हाई डोज रहता है, तो वो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। अभी आपको फॉलिक एसिड क्यों खाना है, मतलब अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो बच्चे के रिलेटेड और आपके रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊंगी कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो बहुत ही छोटा रहता है, जो नॉर्मल आइज में अपने को दिखता नहीं, ये सब माइक्रो लेवल पे होता है, तो एक छोटा सा गोला रहता है वो, और 28 दिन में वो गोले से एक ट्यूब बन जाती है, स्ट्रेट ट्यूब रहती है, उसको हम लोग न्यूरल ट्यूब बोलते हैं, जो 28 दिन में फर्टिलाइजेशन के बाद क्लोज हो जाती है। अभी वो न्यूरल ट्यूब को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो नीचे का हिस्सा रहता है, अगर वो न्यूरल ट्यूब नीचे के हिस्से में क्लोज नहीं हुई टाइम पे तो वो ओपन रह जाती है, वो बोनी पार्ट ओपन रह जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पाइना बाइफिडा। तो वो जो बच्चे है उनको स्पाइना बाइफिडा करके डिफेक्ट दिखता है, तो सोनोग्राफी में कभी कभी वो डिटेक्ट होता है, कभी कभी डिटेक्ट भी नहीं होता है। वो बच्चे पैदा होने के बाद में उनको बहुत सारे मेजर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम निकल सकते हैं, जैसे पैरालिसिस है, ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, बच्चा चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, बच्चों को यूरिन के प्रॉब्लम, मोशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसको बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होने की रिस्क रहती है। अगर वो लोअर के हिस्से में वो न्यूरल ट्यूब टाइम पे क्लोज नहीं हुई तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन या क्लोज स्पाइना बाइफिडा। अभी अगर वो न्यूरल ट्यूब अपर के साइड में, मतलब कॉडल एंड में अगर क्लोज नहीं हुई तो उसको बोलते हैं हम लोग एनेंटिफली। एनेंटिफली यानी क्या? ऊपर से जो ब्रेन का और स्काल्प का मैटर है उसको बोनी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, स्काल्प और ब्रेन ओपन रह जाता है बच्चे का। आइडियली ये बच्चा बर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो जब माँ के पेट में रहता है तभी वो बच्चे का
डेथ हो जाता है, मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो अगर आपने टाइम पे फॉलिक एसिड नहीं खाया या अगर आपके बॉडी में 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड नहीं रहा तो मेजर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं हम लोग जिसको, स्पाइना बाइफिडा और एनेंटीफली, ये बच्चे में प्रॉब्लम निकल सकती है। अभी इसके अलावा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कैसे करके एक बीमारी है जिसमें बच्चे के लिप्स और जो पैलेट है उसमें फट जाते हैं वो, तो वो भी बीमारी कम हो जाती है या रिस्क नहीं होती है अगर आपने फॉलिक एसिड टाइम पे खाया तो। अट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं हम लोग, बच्चे के हार्ट में 4 चैम्बर रहते हैं तो ऊपर के जो चैम्बर हैं उनके बीच में जो पर्दा रहता है उसमें एक फ्यू मिलीमीटर का गैप आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग अट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो अगर आपके बॉडी में फॉलिक एसिड का लेवल अच्छे से रहा तो ये हार्ट की बीमारी होने के रिस्क भी कम हो जाएंगे। अभी और मदर रिलेटेड फायदे क्या है कि हाइपरटेंशन होने के रिस्क कम हो जाएंगे, प्रीटर्म लेबर होने के रिस्क कम हो जाएंगे, मिसकैरेज के रिस्क भी कम हो जाएंगे। एक स्टडी पाया गया है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ने 1 साल के लिए अगर प्रॉपर फॉलिक एसिड का लेवल अगर खाया है तो उसको ऑलमोस्ट 50% रिस्क कम हो जाती है प्रीटर्म लेबर होने की। तो अगर आपने प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर डोज में अगर फॉलिक एसिड खाया तो आपका बच्चा और आप ये सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे, ये रिस्क कम हो जाएंगे। अभी हम लोगों को ओपीडी में पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर फॉलिक एसिड का दवाई सच में खाना जरूरी है क्या, डाइट में या कुछ हरी पत्ती सब्जियों में फॉलिक एसिड नहीं मिलेगा क्या? हरी पत्ती सब्जियों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी फॉलिक एसिड है, लेकिन ये जो नेचुरल फॉलिक एसिड है जो फूड में मिलता है उसका एब्सॉर्प्शन और जो मेडिसिन वाला ड्रग वाला जो फॉलिक एसिड है उसका एब्सॉर्प्शन बहुत डिफरेंट है। ड्रग वाला मेडिसिन वाला फॉलिक एसिड बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब होता है और उसकी वजह से आपके बॉडी का फॉलिक एसिड का लेवल अच्छे से मेंटेन रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरा टेक होम मैसेज सभी प्रेग्नेंट दोस्तों के लिए यही रहेगा कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे या फिर आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो आप तुरंत आपके डॉक्टर को जाके मिलो, तुरंत आप आपके फॉलिक एसिड का दवाई स्टार्ट करो और उसको याद से रोज खाते जाओ। फॉलिक एसिड जो है आपके बच्चे के लिए बॉडी गार्ड करके काम करता है, आपके बच्चे की ये जो मेजर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के प्रॉब्लम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम है, उससे आपके बच्चे को बचाएगा। प्लस आपको भी प्रीटर्म लेबर है, अबॉर्शन है या फिर हाइपरटेंशन है या थायराइड की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, वो होने से भी फॉलिक एसिड आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फॉलिक एसिड का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।